डेडपूल और वोल्वरीन मूवी रिलीज हो चुकी है और आज इस वीडियो में मैं इसका पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि जॉनी स्टॉर्म जिसको कैसेंड्रा नोवा ने वर्ल्ड में मार दिया, क्या वो वापस से रिटर्न कर सकता है क्योंकि हमारा प्यारा है वो, और उसको पोस्ट क्रेडिट में दिखाने का क्या सिग्निफिकेंस था। सारी बातें और सारे सवाल इसी वीडियो में डिस्कस होंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि क्रिस इवांस वापस से एमसीयू में अपनी एंट्री मार रहे होते हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका बन के नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च बन के, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे पहला सुपर हीरो रोल था, जो उन्होंने दी ओजी फैंटास्टिक फोर 2005 वाली में प्ले किया था और उसके बाद फैंटास्टिक फोर दी राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि एमसीयू में ये वाला कैरेक्टर आया कैसे। वो इसलिए क्योंकि मार्वल वालों के पास अब फैंटास्टिक फोर के सारे कैरेक्टर्स के राइट्स हैं, जिसकी वजह से ही वो अब फैंटास्टिक फोर के ऊपर पूरी एक नई मूवी बनाने वाले हैं, और इसीलिए ही वो क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च को इस मूवी में दिखा पाए। तो मूवी में जब वोल्वरीन और डेडपूल वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो वहां पर वो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलते हैं और उन्हीं में से एक होता है क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च। और अगर तुमने 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी देखी हुई है तो तुम्हें इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च अपने सिद्धांतों में कितने ज्यादा अलग हैं। जितना ज्यादा स्टीव रॉजर्स सीरियस रहता है ना, उतना ही ज्यादा जॉनी स्टॉर्म बकचोदी करने में लगा रहता है। अब ये ह्यूमन टॉर्च वॉइड में पहुंचा कैसे होगा वो तो इस मूवी में हमें रिवील नहीं किया है, लेकिन सच में ये बंदा बहुत ज्यादा ही हरकतें देता रहता है और ऐसा ही कोई कांड कर दिया होगा जिसकी वजह से टीवीए ने इसे प्रून किया और इसलिए ये वॉइड में है। फिर जैसे ही डेडपूल और वोल्वरीन ह्यूमन टॉर्च से मिलते हैं तो वो जोक और कॉमेडी करने से रुकता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सब वॉइड में थे जहाँ पर कैसेंड्रा नोवा और उसकी आर्मी सबको कंट्रोल में रखते हैं, तो उन्हीं में से एक बंदा ह्यूमन टॉर्च की आग तुरंत बुझा देता है और इन तीनों को, यानी कि डेडपूल, वोल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च को एक ही केज में एक साथ बंद कर देता है। फिर इन तीनों को केज में ही रखकर कैसेंड्रा नोवा के पास ले आया जाता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं डेडपूल कैसेंड्रा से कहने लगता है कि ये बंदा यानी कि ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा अनाप शनाप बातें कर रहा था, और फिर डेडपूल वो सारी आर रेटेड बातें जिसमें गालियां भी होती हैं जैसी की तैसी कैसेंड्रा को सुना देता है। ये सब सुनते हुए ह्यूमन टॉर्च कहता है कि व्हाट, मैंने तो ये सब चीजें कभी बोली ही नहीं, बल्कि ये जो डेडपूल शब्द बोल रहा है ना, मुझे तो इनका मतलब भी नहीं पता। लेकिन कैसेंड्रा ज्यादा कुछ सुनती नहीं है और गुस्से में ह्यूमन टॉर्च को मार देती है। वो उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पिघला देती है। अब ह्यूमन टॉर्च मर जाता है, जो कि शुरू से ही हम सब ऑडियंसेस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए कहीं ना कहीं हम सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ह्यूमन टॉर्च में सच में वो सब बोला भी था, या फिर डेडपूल ने कैसेंड्रा नोवा को सबको झूठ बोला था कि ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। इसलिए जब तक मूवी खत्म नहीं होती सारी ऑडियंस डेडपूल को ही ब्लेम कर रही होती है ह्यूमन टॉर्च को मरवाने के लिए, क्योंकि उन सबके मन में ये चीज बैठ गई थी कि ह्यूमन टॉर्च ने वो सब नहीं बोला, डेडपूल ने अपने मन से वो सारी बातें भिड़ाई हैं। और यही चीज हमें डेडपूल एंड वोल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाती है। डेडपूल टीवीए में रहकर फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम सबसे बात करता है और कहता है कि ध्यान से देखो इसको, वो चीज फाइनली उसे मिल गई है। और हमारे सामने एक्चुअल में वाली क्लिप होती है जिसमें क्रिस इवांस यानी कि ह्यूमन टॉर्च भर भर के कैसेंड्रा नोवा को गाली दिया जा रहा है। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा फनी लगता है, भयंकर हंसी भी आती है, और इस क्लिप से ये प्रूफ हो जाता है कि डेडपूल बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। अब ये पोस्ट क्रेडिट सीन फ्यूचर एमसीयू मूवीज के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये कोई मूवी को सेटअप कर रहा है, ना ही ये किसी एवेंजर्स मूवी के लिए हिंट दे रहा है। ये पूरा सीन बस एक जोक हंसी मजाक के तौर पर दिखाया गया है, रीजन बीइंग कि डेडपूल मूवीज की एंडिंग हमेशा से ही इस तरह की होती है जहां पर वो तुमसे बात कर रहा होता है। इस वीडियो पर टैप करके डेडपूल एंड वोल्वरीन की स्टोरी का फुल एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना, मजा जाएगा तुम्हें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।